केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दे दी, जिसको लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा सम्मान है कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 5 भाषाओं को यह सम्मान दिया गया है, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया। वर्षों से मांग की जा रही थी कि मराठी भाषा को यह सम्मान दिया जाना चाहिए। सांसद संजय राउत ने आगे कहा कि राज्य के लगभग सभी दलों के नेताओं ने पिछले 30 से 35 वर्षों से हर मुख्यमंत्री और हर राज्य सरकार ने यह मांग की। अगर ऐसा हुआ है तो यह सभी का योगदान है, सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं। बीजेपी को हर चीज का श्रेय लेने की आदत है। उन्हें उद्योग और व्यापार को इस राज्य से बाहर जाने से रोकना चाहिए। मराठी भाषा के साथ साथ इस राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दे दी, जिसको लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा सम्मान है कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 5 भाषाओं को यह सम्मान दिया गया है, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया। वर्षों से मांग की जा रही थी कि मराठी भाषा को यह सम्मान दिया जाना चाहिए। सांसद संजय राउत ने आगे कहा कि राज्य के लगभग सभी दलों के नेताओं ने पिछले 30 से 35 वर्षों से हर मुख्यमंत्री और हर राज्य सरकार ने यह मांग की। अगर ऐसा हुआ है तो यह सभी का योगदान है, सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं। बीजेपी को हर चीज का श्रेय लेने की आदत है। उन्हें उद्योग और व्यापार को इस राज्य से बाहर जाने से रोकना चाहिए। मराठी भाषा के साथ साथ इस राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिए।